बेसहारों का सहारा बने यूपी के सीएम योगी, अब 28 लाख निराश्रित महिलाओं को मिलेगी पेंशन। मुकुल गोयल ने यूपी डीजीपी का पद संभाला, बोले कानून व्यवस्था को और मजबूत बनाना ही प्राथमिकता। यूपी में और बड़ी रियायत, 5 जुलाई से खुलेंगे मल्टीप्लेक्स, सिनेमा हॉल, जिम और स्टेडियम। गर्मी से प्रदेश का पारा हुआ हाई, प्रदेश के कई जिलों में पारा 40 के पार पहुंचा। गर्भवती महिलाओं के लिए बड़ी खुशखबरी, स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोरोना टीकाकरण की दी अनुमति। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इस बुलेटिन में, मैं हूं आपके साथ शिवम यादव। आगरा में शहीद के परिवार के साथ डिप्टी सीएम ने जिस तरह का व्यवहार किया है वो अपने आप में कई सवाल खड़े कर रहा है। बता दें, सरकार से जब कौशलेंद्र रावत की पत्नी ने जमीन की मांग की तो डिप्टी सीएम ने जो कहा वो अपने आप में शहीद का अपमान है। बीते 2 दिनों से शहीद की पत्नी धरने पर बैठी हुई है, और जब डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा ने शहीद की पत्नी से फोन पर बात की और शहीद की परिजनों ने करही में जमीन की मांग की तो डिप्टी सीएम ने पीड़ित परिजनों की मांग सुनकर कहा कि आपके गांव में जमीन बहुत कीमती है, इसलिए कहीं और जमीन चाहिए तो बताइए, जिसके बाद शहीद के परिजन नाराज हो गए और परिजनों का कहना है कि डिप्टी सीएम ने शहीद की शहादत का अपमान किया है। दूसरी ओर शहीद के बेटे ने कहा कि ये शहीद की शहादत के साथ बहुत बड़ा अन्याय है। पहले तो मेरा जमीन का करवाओ, मेरे 7 बालियों को सबको जमीन मिली है, एटा में, उन्नाव में, कन्नौज में, कानपुर में, सबको जमीन मिली है। जमीन मेरे 7 बालियों को सबको मिली है, जीवन यापन करने के लिए। सर मैं सबके सर की मैं कीमती में आती है की सर किस चीज का संतुष्ट है, वो वैल्यूएशन लगा रहे हैं, एक शहीद की वैल्यू एक लैंड से तोल रहे हैं, उसको लैंड से मेजर कर रहे हैं। माताजी मेरी उनसे बोली है कि सर हमारे को और शहीदों की तरह, जो हमारे यूपी के 12 शहीद थे, 11 शहीद, उनकी तरह हमें इक्वालिटी दीजिए। तो वो बोल रहे हैं आगरा जनपद के अंदर ज़मीन की कीमत बहुत ज़्यादा है, मतलब उनकी नज़रों के अंदर ज़मीन की वैल्यू ज़्यादा है एक शहीद की वैल्यू से ज़्यादा। हमने यूँ बोला पूरे जनपद में कहीं भी, यूँ नहीं बोला कि हमें पैतृक स्थान पर दीजिए। जनपद सर बहुत बड़े, आगरा जनपद बहुत बड़ा एरिया है, छोटी मोटी चीज लखनऊ के बाद लखनऊ नंबर 1 यूपी में आई थिंक आता है। और इस वक्त ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता अमित फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अमित, डिप्टी सीएम का ये बयान काफी शर्मनाक है, और ऐसे में शहीद की जो पत्नी है उसका क्या कुछ कहना है, उनकी तरफ से क्या बयान आया है, और उनके जो बेटे हैं उन्होंने भी इसकी निंदा की है। जी बिल्कुल, मैं बता दूं जिस तरीके से शहीद का जो ये बयान, जो जैसे डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा जी का जो ये बयान आया है वो बहुत ही शर्मनाक है। और मैं बता दूं आपको, 2 दिन से ये जो शहीद की वीरांगना है जो धरना स्थल पर बैठी हुई है अपने शहीद की प्रतिमा पर, और 2 दिवसीय दौरे पर कल से डॉक्टर दिनेश शर्मा उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम होने के नाते 2 दिन के दौरे पर आगरा में ही मौजूद थे, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ तक आने की उन्होंने जहमत नहीं उठाई। वहीं हमको इनके एक कार्यक्रम की पता लगा जब प्राइम टीवी की टीम वहाँ उस कार्यक्रम स्थल पर पहुंची जो शहीद की प्रतिमा पर, जो शहीद की वीरांगना जो बैठी है वहां से महज 300 मीटर दूरी पर था, और वो कार्यक्रम केवल इनका रात्रि भोज का था। नवनिर्वाचित मंजू भदौरिया जो जिला पंचायत अध्यक्ष आगरा बनी है, उनके यहाँ रात्रि भोज का कार्यक्रम था। वहां तक ये डिप्टी सीएम आए और वहां हमारे प्राइम टीवी द्वारा उनसे ये पूछा भी गया, सवाल भी किया गया कि यहां से थोड़ी सी दूरी पर एक शहीद की वीरांगना कुछ मांगों को लेकर वहां धरने पर बैठे हुए हैं, आप वहां जाएंगे या नहीं। तो इनका सीधा साफ तौर से कहना था, अज्ञानता वाला एक जवाब देना था
के मुझे वहाँ की जानकारी नहीं है वो क्यों बैठी हैं, और उसके बावजूद भी मिलने की बात पर इन्होंने ये बोला मैं उनसे फोन से बात कर लूंगा। मतलब आप समझ सकते हैं कितना संवेदनहीन इनका जवाब था कि 300 मीटर की दूरी पर आप रात्रि भोज करने के लिए आ सकते हैं और शहीद की जो वीरांगना धरने पर बैठी कुछ माओं को लेकर उसके पास जाने तक आपके पास समय नहीं है, फोन से आप बात कर लेंगे। उसके बाद में जब आज जब लगातार यहाँ पर विपक्षी दलों के जो नेता थे उनका आना जाना शुरू हो गया था, उसके बाद जब पता लगता है सत्ताधारी नेताओं को तो यहाँ के जो क्षेत्रीय विधायक हैं वो आती हैं और शहीद की वीरांगना से डिप्टी सीएम साहब की बात कराती हैं। जो डिप्टी सीएम साहब उनसे साफ शब्दों में कहते हैं कि आप जहाँ जगह मांग रहे हैं, जो आपके पैतृक गाँव में कह रहे हैं, वहां पर जो जगह की कीमत है वो बहुत ज्यादा है। तो ये बड़ा ही संवेदनहीन इनका जवाब था, जिस तरीके से कि एक शहीद की शहादत को इन्होंने एक जमीन की कीमत पे आंक दिया। जी जो विपक्षी दल हैं उनमें से कौन कौन से वो बड़े नाम हैं जो अभी तक शहीद की पत्नी से संपर्क करने आए? जी विपक्षी दलों में मैं बता दूं आपको, चाहे क्षेत्रीय हो चाहे आपका जो मतलब केंद्रीय पार्टी हो, सपा के यहाँ नेता जिलाध्यक्ष हैं, महानगर अध्यक्ष हैं, कांग्रेस के जिलाध्यक्ष हैं, महानगर अध्यक्ष हैं और सामाजिक संगठन है, सभी लोग यहाँ कल से और आज तक लगातार मुलाकात करते आ रहे हैं और हर संभव मदद का वो उन्हें आश्वासन भी देते जा रहे हैं। उसके बाद ही जब इनकी नींद खुली है तब आज इन्होंने अपने एक विधायक को वहां भेजा और विधायक के द्वारा ही अपने दूरभाष पर उनसे फोन से बात कराई और बात में भी वो जवाब इस तरीके का दिया जो एक शहीद की बात नहीं सारे शहीदों के लिए, जिन लोगों ने अपने देश को शहादत दी है जिन शहीदों ने, उनके लिए बड़ा अपमानजनक जवाब था। जी बहुत बहुत शुक्रिया अमित हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य अयोध्या पहुंचे। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य भाजपा के पूर्व सांसद शरद त्रिपाठी के अंतिम संस्कार में शामिल होने अयोध्या पहुंचे थे, जहां उन्होंने कहा कि अयोध्या में राम मंदिर निर्माण से देश के सभी राम भक्तों को सुख मिलेगा। वहीं साथ ही उन्होंने बताया कि बहुत ही बड़े पैमाने पर अयोध्या के विकास की कार्ययोजना तैयार हो रही है। जब अयोध्या धाम में सड़क चौड़ीकरण का सवाल उठा तो डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि अयोध्या में जो भी सड़क चौड़ी हो रही है या विकास हो रहा है इससे व्यवसाय में वृद्धि होगी। संसार के हर राम भक्त को सुख मिलेगा, मैं भी राम भक्त हूँ, मुझे भी बहुत प्रसन्नता होगी और अयोध्या के बहुत बड़े पैमाने पर विकास की कार्ययोजना तैयार भी हो गई और तैयार की जा रही है। जैसे रामलला का भव्य मंदिर बन रहा है, अब राम वनगमन मार्ग बन रहा है कि भगवान श्री राम की जन्मभूमि अयोध्या को ही आता है तो जन्मस्थल का दर्शन पाता है और राम राज्य कैसे चला उसकी परिकल्पना लेके जाता है। चौड़ीकरण या अयोध्या का विकास जो भी हो रहा है भविष्य में उनके व्यापार की वृद्धि करेगा, सभी लोग सहयोग करें, किसी को वृद्धि करने की मंशा न सरकार की है और न कभी हो सकती है। हमारे लिए एक ही मंशा है कि अयोध्या का इतना विकास हो। वह प्रदेश के उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा दो दिवसीय दौरे पर आगरा पहुंचे। राजकीय वायुयान से खेरिया एयरपोर्ट पर उतरने के बाद वो सीधे सर्किट हाउस पहुंचे हैं, जहां पर गारद ने उन्हें सलामी दी। वहीं सर्किट हाउस में उप मुख्यमंत्री पार्टी कार्यकर्ताओं से मुलाकात भी किए। साथ ही डिप्टी सीएम ने विपक्ष पर जमकर तंज कसा। उन्होंने कहा कि वैक्सीनेशन को लेकर घर में बैठे तमाम लोगों ने आमजन को गुमराह करने का प्रयास किया, लेकिन लोगों ने बढ़ चढ़कर वैक्सीनेशन की डोज लगवाई। वहीं पारस हॉस्पिटल प्रकरण पर डिप्टी सीएम मीडिया के सवालों से बचते रहे। उन्होंने कहा कि अभी क्लीन चिट नहीं दी गई है, अभी भी कार्रवाई की जा रही है। वहां पे इसलिए जरूरी नहीं कि एसडीएम या वो हर अधिकारी हर जगह रहे, हम खुद से कह के चलते हैं कम से कम अधिकारी मेरे साथ में रहने चाहिए, लेकिन चूंकि पीड़ित पक्ष के वहां गए हैं तो वहां पे अधिकारी को उन्होंने तत्काल बात करके कहा सर मैं अभी तुरंत आ जाती हूँ, पास में ही हूँ, क्योंकि वहाँ पे दूसरे अधिकारी की ड्यूटी थी और वो अधिकारी वहाँ पर मौजूद था, इसलिए कोई ऐसी बात नहीं है कि जिसको हम कहा जाए कि किसी ने प्रोटोकॉल का उल्लंघन किया, किसी ने कुछ किया, ये मैं समझता हूँ उचित नहीं। वहीं यूपी के नए डीजीपी के रूप में मुकुल गोयल ने पदभार संभाल लिया। इस दौरान उन्होंने कहा कि वो राज्य की कानून व्यवस्था को और मजबूत बनाने पर ध्यान देंगे। उन्होंने साफ किया कि राज्य में क्राइम को कंट्रोल करना पुलिस की जिम्मेदारी है। इसके साथ ही मुकुल गोयल ने कहा कि पुलिसकर्मियों को जनता से जुड़कर उनसे दूरी कम करने पर ध्यान देना चाहिए। नए डीजीपी ने कहा कि इससे क्राइम कंट्रोल करने में मदद मिलेगी। वर्क है, अगर वो सही ढंग से करती रहे तो फिर सब कुछ कंट्रोल में रहेगा। जो त्यौहार आ रहे हैं उनके लिए कार्य योजना पुरानी बनी हुई है सब हर त्यौहार के लिए कि क्या क्या कार्रवाई पुलिस को करनी चाहिए,
जब कमी कहीं पे रह जाती है तभी इस तरह की बातें आती हैं। तो पुलिस अपना होमवर्क करेगी और हर त्यौहार को ठीक से इसमें निपटाएगी, और जहाँ पर अफवाह की बात होती है, कोई अफवाह फैला रहे हैं, कोई गलत मुकदमे दिखाने की कोशिश हो रही है। वहीं सहारनपुर के नव निर्वाचित बीजेपी मंत्री अमित बाल्मीकि के काफिले पर हुए हमले को लेकर बाल्मीकि समाज में गुस्सा देखने को मिला। इसी को लेकर भारतीय बाल्मीकि महासभा ने सिटी मजिस्ट्रेट को एक ज्ञापन सौंपा। यही नहीं, बाल्मीकि महासभा के पदाधिकारियों ने राकेश टिकैत और उनके समर्थकों को गुंडा बताया। साथ ही टिकैत और उनके समर्थकों को दिल्ली गाजीपुर बॉर्डर से हटाने और सख्त कार्रवाई किए जाने की मांग भी की है। अभी हमारे नवनिर्वाचित प्रदेश मंत्री अमित वाल्मीकि जी को पार्टी ने मंत्री बनाया है, तो उनके स्वागत कार्यक्रम लगे हुए थे जगह जगह। तो उनका गाजीपुर बॉर्डर दिल्ली में स्वागत था, तो जब उनका काफिला वहां से आ रहा था तो वहां राकेश टिकैत ने प्री प्लान अपने गुंडों से उनके पूरे काफिले पर हमला कराया। काफ़ी गाड़ियाँ तोड़ी गई, वो अपने पूरे लाठी डंडे सरिये भालों से उन पर हमला कराया गया। हम इस चीज़ के लिए निंदा करते हैं और मांग करते हैं अपने माननीय मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री जी से, डीएम के माध्यम से, अपने सम्मानित डीएम के माध्यम से, कि वो हमारी इस मांग को आगे तक पहुंचाने का काम करें कि बाल्मीकि समाज के एक जिम्मेदार व्यक्ति पर हमला हुआ है और वो गाजीपुर बॉर्डर पर बैठ करके वहाँ कभी किसी का मर्डर हो जाता है, कभी किसी को जला दिया जाता है, कभी वहाँ बलात्कार हो जाते हैं, कभी किसी के काफिले पर हमला हो जाता है, तो हम चाहते हैं कि वो वहाँ से उनको हटा। शाहजहाँपुर के विकासखंड कलान स्वास्थ्य केंद्र पर 18 से ज़्यादा उम्र वालों को वैक्सीनेशन का कार्य बहुत तेज़ी से किया जा रहा है। 18 साल की आयु पूरी कर चुके युवाओं को टीका लगाया जा रहा है, इसको लेकर महिलाओं में खासा उत्साह देखने को मिला। वहीं इस दौरान लोगों को समझाइश भी दी जा रही है कि वैक्सीनेशन को लेकर भ्रम या झूठी अफवाहों में ना पड़े, ये वैक्सीन बहुत सुरक्षित है। पहली बात तो ये है कि जैसे लोग डरते हैं कि कोरोना की वैक्सीन नहीं लगवाने से बीमारी हो जाती है या कुछ हो जाता है, ऐसा कुछ नहीं, ना कोई बीमारी होती ना कुछ, ये वैक्सीन लगवाने से डर खत्म होता है और जो लोग देखते हैं उनका भी डर खत्म होता है। अच्छा, वैसे लोगों से क्या संदेश देना चाहते हैं? वहीं यूपी के कई शहरों में लोग गर्मी की मार झेल रहे हैं और लोगों को गर्मी से निजात भी नहीं मिल पा रही। कई दिनों से धूप और गर्मी ने लोगों को परेशान कर दिया है, उमस की वजह से लोगों का हाल बेहाल हो गया है। प्रदेश के कई जिलों में पारा 40 से पार पहुंच चुका है। वहीं भीषण गर्मी से लोग काफ़ी परेशान हैं, सड़कों पर सन्नाटा पसरा हुआ है। तेज़ धूप होने से बाजारों में भीड़ कम देखने को मिल रही है और सड़कें सुनसान हैं। वहीं लखनऊ में भी गर्मी से आम जनमानस परेशान है। एक तरफ कोरोना महामारी है तो वहीं दूसरी तरफ गर्मी का सितम जो लोगों को ना तो घर में रहने दे रहा है और ना बाहर। अगर हम बात करें राजधानी लखनऊ की तो यहाँ पर जो तापमान है वो लगातार बढ़ता जा रहा है, लगभग 40 डिग्री तक पहुँच गया है। इस वक्त हम मौजूद हैं लखनऊ के बंगला बाजार चौराहे पर, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से सन्नाटा पसरा हुआ है। आमतौर पर कितना परेशान कर रही है गर्मी जो है सर, बहुत ज़्यादा गर्मी है। क्या असर पड़ रहा है कारोबार पर? कारोबार बहुत डाउन डाउन है। कितने दिनों से गर्मी ज़्यादा पड़ रही है? हमारे साथ यहाँ पर कुछ और लोग हम बात करेंगे। और गर्मी से बचने के लिए क्या करते हैं? गर्मी से बचने के लिए सर बंद कर देते हैं, बैठ जाते हैं, थोड़ा सा ठंडा लेते हैं, हवा व्यार लगती है तो फिर खड़े हो जाते हैं। वहीं उत्तर भारत में रिकॉर्ड तोड़ गर्मी से लोग परेशान हो गए हैं। बढ़ते तापमान और गर्म हवाओं से लोगों को परेशानी तो हो ही रही है, बढ़ते तापमान के साथ उमस से भी लोग बेहाल हैं। वहीं मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों में बारिश होने के साथ राहत मिलने की उम्मीद जताई है। कानपुर की बात करें तो तापमान 40 डिग्री से भी ज़्यादा पहुंच चुका है, जिस वजह से काम पर निकलने वालों को काफ़ी समस्या हो रही है। गीत के बोल हैं
पारा इतना हाई हुआ कि थर्मामीटर भी टूट गया। शायद इसी तरीके के हालात पूरे उत्तर भारत में बने हुए हैं। गर्मी का सितम लगातार बढ़ता चला जा रहा है। कानपुर की बात करेंगे, कानपुर पर भी अभी करीब 10:30 से 11 बजे हुए हैं, टेम्परेचर 40 के आसपास पहुंच चुका है, जिससे लोगों का रोज़मर्रा की ज़िंदगी में एक तरीके से निकलने में काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। इस वक्त हम खड़े हुए हैं कानपुर के गोविंद नगर मार्केट पर, देख सकते हैं किस तरीके से लोग निकल रहे हैं, उनको कहीं ना कहीं एक तरीके से पूरे सेफ्टी मेजर्स के साथ निकलना पड़ रहा है। कानपुर में भी लगातार जो है पूरे उत्तर भारत की तरीके टेम्परेचर जो है वो बढ़ा हुआ है। लोग कहीं ना कहीं पानी है, जूस है, इस तरीके की चीज़ों को पी करके अपने आप को बूस्ट कर रहे हैं। लगातार जिस तरीके से टेम्परेचर बढ़ा हुआ है, कहीं ना कहीं लोगों को परेशानी में डाल रखा है टेम्परेचर में। भैया गर्मी बहुत है, भैया गर्मी बहुत लग रही है, उजान लग रही है, बेचैनी भी हो रही है। किस तरीके से सेफ्टी, क्या क्या आप लोग किस तरीके से अपने आप को सुरक्षित, उजान लग रही है, इतनी गर्मी है, उजान लग रही है, चक्कर भी आ रहा है, मौसम आ रहा है। बिल्कुल, कहीं ना कहीं लोगों को गर्मी परेशान कर रही है, गर्मी में लोगों को लेकिन काम की वजह से कहीं ना कहीं निकलना पड़ रहा है। अब लोगों का काम है, इस वजह से लोगों को निकलना पड़ेगा, क्योंकि लोगों को अपने जीवन यापन करने के लिए बाहर निकलना पड़ रहा है। भैया क्या नाम है? अमित दिवाकर, भारतीय जनता पार्टी से हूँ। गर्मी बहुत पड़ रही है, गर्म तो बहुत ज़्यादा पड़ रही है। किस तरीके से निकलना है, क्या सुधार? बहुत ही ज़्यादा गर्मी पड़ रही है और गर्म को देखते हुए सुरक्षा, क्या सुरक्षा तो कोई नहीं है। अपने आप की क्या सुरक्षा करना है, खुद से किस तरीके से अपने आप? अपने आप की बस यही सुरक्षा है कि घरों में रह रहे हैं, जो बहुत ही ज़रूरी पड़ रहा है तो घर के बाहर निकलना हो तो मजबूरी है कि घर का ज़रूरी सामान तो लेना ही पड़ेगा। बिल्कुल, कहीं ना कहीं घरों के सामान के लिए और जो अपनी रोज की ज़रूरतें हैं उनके लिए लोगों को कहीं ना कहीं अब निकलना पड़ रहा है, क्योंकि लोगों को निकलना ज़रूरी है। वहाँ पर लोग निकल रहे हैं और अपनी जो ज़रूरतें हैं उनको पूरा करने के लिए अब निकलना पड़ा। पुनीत, गर्मी बहुत बहुत ज़्यादा, किस तरीके से अपने आप सर? ऑफिस में बैठ जाते हैं, ऑफिस से बाहर नहीं निकलते हैं, फील्ड का काम होता है वो टाल देते हैं, नींबू शिकंजी पी रहे हैं, पना पी रहे हैं, बस यही सब। गर्म सीरियसली बहुत पड़ रही है, बहुत ज़्यादा गर्म पड़ रही है, और ऊपर से लाइट वाले भी थोड़ा सा परेशान करते हैं। दिन दिन भर के लिए लाइट चली जाती है, 4 घंटा 3 घंटा लगातार लाइट नहीं आती और दिक्कत होती है। बिल्कुल, कहीं ना कहीं लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लोगों को अपनी ज़रूरत के लिए निकलना तो पड़ रहा है, लेकिन जो लोग निकल रहे हैं सेफ्टी के साथ निकल रहे हैं और कहीं ना कहीं जूस है। वहीं प्रतापगढ़ के लालगंज तहसील क्षेत्र में ग्रामीणों का आरोप है कि गांव के कोटेदार द्वारा राशन वितरण में घटतौली का घिनौना खेल खेला जा रहा है और कार्डधारकों को प्रति यूनिट पर राशन भी कम मुहैया करवाया जा रहा है। वहीं ग्रामीणों ने कोटेदार के अभद्र व्यवहार पर SDM लालगंज समेत संबंधित अधिकारी को कोटेदार के खिलाफ तहरीर देकर कार्रवाई की मांग भी की थी। वहीं सोनभद्र के रॉबर्ट्सगंज कोतवाली क्षेत्र में चोरों के हौसले बुलंद हैं। रिटायर्ड लेखपाल शिवप्रसाद पांडे के घर चोरों ने धावा बोल दिया। बता दें कि जब घर के लोग सो रहे थे, इसी दौरान चोरों ने घर के दूसरे कमरे में बक्सों में रखे लाखों के कीमती जेवरात और नकदी को चुरा लिया। वहीं जब घटना की जानकारी परिजनों को हुई तो परिजनों ने पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस जांच पड़ताल में जुट गई है। रात में हम लोग लगभग 12 बजे तक जाग रहे थे, फिर उसके बाद चले गए सोने। सोने के बाद जो है जब सुबह उठे तो देखे कि वहां पर जो है बाहर से कुंडी चढ़ी हुई थी और छोटा वाला भाई वो सुबह जाता है मंडी तो वहीं जगा। फिर उसके बाद पिताजी बाहर सोए हुए थे, पिताजी को जब वो आवाज़ दिए जा कर के खोले तो देख रहे हैं कि वो बाहर से जो है ताला वाला बंद वो जो है खुला हुआ है और बक्सा वो घर के पीछे ले जा कर के सब लगभग मान लीजिए कि 1 बजे और 2 बजे के बीच की घटना है। तो पुलिस को जानकारी दी गई? पुलिस को जानकारी दी गई है, 100 नंबर आए थे अभी। वहीं आगामी 3 जुलाई को होने वाले जिला पंचायत अध्यक्ष पद के चुनाव को लेकर सरगर्मियां चरम पर पहुंच गई हैं। रॉबर्ट्सगंज के एक नामी होटल पर पुलिस ने छापा मारा। बता दें कि पुलिस को सूचना मिली थी कि होटल में जिला पंचायत सदस्य की खरीद फरोख्त का प्रयास किया जा रहा है, जिसके बाद पुलिस ने छापेमारी की। वहीं पुलिस ने होटल के रिकॉर्ड की जांच पड़ताल की और होटल पर फोर्स तैनात कर दी है।
इसमें कहना है कि ये अपना दल एनडीए सरकार के तहत सोनभद्र अपना दल को कोटे में आई है सीट, और ये जो सपा के लोग जो आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं बिल्कुल टोटल निराधार है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि बीजेपी के जिला पंचायत सदस्य हमारे शासन सत्ता के जरहा के जिला पंचायत सदस्य को इन्होंने स्वतः मत अपहरण करके उठा कर ले भी चले गए हैं। हाँ, और इन्होंने इनका ये बयान है ये हताशा निराशा ये हार को बिल्कुल मतलब हार की ओर। लखनऊ के लोकबंधु अस्पताल में भर्ती मरीज के तीमारदारों को अब खून के लिए 10 से 15 किलोमीटर तक का सफर तय नहीं करना पड़ेगा। मरीजों को अस्पताल में ही खून मिलेगा। इसके लिए अस्पताल में 1.5 करोड़ रुपए की लागत से ब्लड बैंक स्थापित किया जाएगा। अस्पताल प्रशासन ने इसका प्रस्ताव उच्च अधिकारियों को भेज दिया है। बता दें कि लोकबंधु अस्पताल में 300 बेड हैं। सामान्य दिनों में रोजाना 20 से 25 मरीजों को खून चढ़ाने की जरूरत पड़ती है। क्योंकि ये 300 बेड का हॉस्पिटल है और कोविड डेडिकेटेड हॉस्पिटल है। कोविड डेडिकेटेड हॉस्पिटल होने की वजह से और चूंकि गायनी का यहाँ काम होता है, गर्भवती महिलाओं की जरूरत होती है, तो सभी की जरूरत को देखते हुए ब्लड बैंक होना नितांत आवश्यक है। तो इसके लिए और नज़दीक में कहीं 15 किलोमीटर के रेंज में कहीं कोई ब्लड बैंक नहीं है, तो इसलिए हम लोगों ने यहाँ से एक प्रस्ताव बना के निदेशक सर ने महानिदेशक को भेजा। वहीं हमीरपुर में कलेक्ट्रेट परिसर में वृक्षारोपण का वृहद अभियान चलाया गया। इस अभियान के तहत वन विभाग और अन्य सरकारी विभागों के द्वारा मिलकर 55 लाख पौधे लगाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया। वृक्षारोपण की शुरुआत जिलाधिकारी ज्ञानेश्वर त्रिपाठी, पुलिस अधीक्षक नरेंद्र कुमार सिंह और जिला वन अधिकारी उमेश चंद्र राय ने की। बता दें कि उत्तर प्रदेश में ग्रीन लैंड का एरिया बढ़ाने के लिए सूबे की सरकार हर जिले में वृक्षारोपण को बढ़ावा दे रही है। इसी के चलते हर जिले में सरकारी विभागों को पेड़ पौधे लगाने के लिए लक्ष्य दिया गया है। कि आप सभी अवगत हैं कि 1 जुलाई से लेकर 7 जुलाई तक वन महोत्सव सप्ताह का आयोजन किया जा रहा है, जिसके क्रम में 1 जुलाई को भी वृक्षारोपण किया गया और आज उसके दूसरे दिन मेरे द्वारा एसपी के द्वारा और डीएफओ साहब और अन्य अधिकारियों के द्वारा यहां पे पुनः इसका शुभारम्भ किया गया। जैसा कि जनपद का लक्ष्य 55 लाख वृक्षारोपण का है, जिसमें कि वन विभाग की महत्वपूर्ण भूमिका है और अन्य सभी विभाग इसमें। वही कानपुर पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने नाबालिग से रेप के आरोपी को 30 दिन के अंदर गिरफ्तार कर लिया। बता दें कि किदवई नगर स्थित एक अधिवक्ता की बेटी को दोस्ती के जाल में फंसा करके उसके साथ शारीरिक शोषण किया जाता रहा। वहीं आरोपी ने उसका अश्लील वीडियो भी बना लिया। इस वीडियो के माध्यम से नाबालिग लड़की से रेप करता था। वहीं पीड़ित पिता की तहरीर पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ FIR दर्ज की थी, जिसके बाद पुलिस लगातार तलाश कर रही थी। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। वहीं आगरा के भारतीय किसान यूनियन पदाधिकारी से अभद्रता पर किसान नेता भिड़ गए। बता दें कि सैकड़ों की संख्या में किसान नेताओं ने टोल प्लाजा का घेराव किया, जिसके बाद किसानों ने टोल फ्री की मांग पर किसान अड़ गए। वहीं टोल प्लाजा पर धरना देकर किसान प्रदर्शन कर रहे हैं। इस मामले के बाद SP पूर्वी फोर्स के साथ वहां पर पहुंचे और समझाने की कोशिश की। बुलंदशहर में दलित युवक की शादी में DJ बजाने को लेकर बवाल हो गया, जिसके बाद दो पक्षों में जमकर फायरिंग शुरू हो गई। वहीं विवाद में एक अधेड़ उम्र के व्यक्ति की गोली लगने से मौत भी हो गई। सूचना मिलने पर मौके पर पुलिस पहुंची और जांच में जुट गई है। देखिए, गड़ाना गांव में कल एक घटना हुई है, जिसमें एक बारात जा रही थी। बारात में DJ चल रहा था। जब वो बारात उसी गाँव के राकेश सिंह के घर के सामने से गुजरी तो DJ बज रहा था। राकेश सिंह ने मना किया कि उनके घर में कोई हार्ट का पेशेंट है, तेज आवाज में DJ न बजाए। इस बात को लेकर विवाद हुआ और बारात में चल रहे लोगों में से कुछ लोगों ने फायर की, जिससे राकेश को गोलियां लगी और वो अस्पताल जाते जाते उनकी मृत्यु हो गई। फिलहाल इस प्रकरण में 9 लोगों के विरुद्ध नामजद अभियोग पंजीकृत किया गया है, जिसमें से 3 अभियुक्तों की गिरफ्तारी कर। बुलेटिन में फिलहाल मेरे साथ बस इतना ही। नमस्कार।